बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आए हैं। सबसे पहले हम ट्राउज़र का हमारे ट्राउज़र की लेंथ है 38 इंच। वो तकरीबन 2.5 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। हमने ट्राउज़र के नीचे पिनटैक्स डालने तकरीबन 10 इंच, 1-1 इंच पे हम ये पिनटैक्स डालेंगे। इस तरह से हम ये 10 पिनटैक्स डालेंगे। इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे ताकि हमारे पिनटैक्स जल्दी तैयार हो जाएंगे। इस तरह से एक जैसे डालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने पिनटैक्स डाली है। ये देखिए अब हम एक अलहदा कपड़े पे पिनटैक्स डालेंगे। इस तरह से ये मैंने आधे आधे इंच पे ये पिनटैक्स डाले हैं। अब हम पेपर पट्टी लेंगे। चेंज पे ये मैं पेपर पट्टी लूंगी। इस तरह से मैं इसे फोल्ड करके इस तरह से इसे दरमियान में से अलहदा अलहदा कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से 1 इंच पे ये 1 इंच की 2 पट्टियां बना लेंगे। अब हम इस तरह से तिरछा निशान लगा कर इधर हम सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी इस तरह से शेप आ जाएगी।
इस तरह से ये हमारी शेप आएगी। दूसरा पीस हम इस तरह से लगा बनाएंगे, दोनों है 1 इंच पे इस तरह लगाएंगे। ये 16 इंच 8 इंच पे हम पांचा रखेंगे, आधा इंच हमने इस साइड पे छोड़ा है और आधा इंच हम इधर छोड़ेंगे। अब हम इसे इस कपड़े पे लगाएंगे। इस तरह से ये मैंने कपड़े पे लगा लिया है। अब हम इसे अलग अलग पीस कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। दरमियान में ये टक लगा लेंगे। और इसे हम प्रेस कर लेंगे। से भी इसे इसी तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम इसे दरमियान में रख के सिलाई लगाएंगे आस्ता आस्ता से। थोड़े थोड़े से वक्फे पे हम ये कपड़ा देते जाएंगे। इस तरह से हम इसकी नोक बनाएंगे। सुई को अंदर रख के हम इसे घुमा लेंगे अपनी तरफ। इस तरह से फिर ऐसा ऐसा हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हम।
आराम आराम से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से इसकी नोक बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से ये मैंने दोनों लगा लिए। अब हम इसके नीचे इसे फोल्ड करेंगे करेंगे इस तरह से, और इसके नीचे हम फ्रिल लगाएंगे। ये मैंने पीस लिया है, तकरीबन 1.5 इंच हमारा ये पीस है। आप चाहे तो 2.5 इंच पीस ले सकते हैं और 1 इंच का फ्रिल बना के लगा सकते हैं। मेरे पास पीस इतना है तो मैं कम लगाऊंगी। इस तरह से मैंने इसे डबल कर लिया और वक्फे वक्फे पे मैं इस तरह से चुनर डालती जाऊंगी। इस तरह से ये मैंने फ्रिल बना ली है। अब हम इसे इस तरह रखेंगे और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसे इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसकी सिलाई पे सिलाई रख के लगाएंगे हम। देखिए मैंने फ्रिल लगा ली, इसके ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। इस तरह से ये हमारा डिजाइन आएगा। देखिए कितना प्यारा और सिंपल और अच्छा लग रहा है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।